अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चले, पिछले लेक्चर में हमने ये बी एंड टी सेल डिसऑर्डर्स स्किट देखा, इटैक्सिया टेलेंजेक्टेसिया देखा, हैपर आईजीएम सिंड्रोम देखा, ठीक है। अभी हम वेस्किट एल्डर सिंड्रोम, अभी हम देखते हैं फेगोसाइट डिस्फंक्शन, कि जो फेगोसाइटिक डिस्फंक्शन होते हैं उसमें मैक्रोफेजिस में क्या जो फेगोसाइट करते हैं उसमें, यानी जो फेगोसाइट साइटोसिस होते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, वो डिसऑर्डर्स हम अभी देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला है आपके पास ल्यूकोसाइट एडहेशन डेफिशिएंसी टाइप 1, ठीक है। तो याद करें जरा, हमने कहा था कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ये जो थे ये क्या करते थे, आपकी ब्लड वेसल के पास जाते थे और वो एडहेशंस जो आपकी एंडोथेलियल सेल थी, क्या थे, एंडोथेलियल सेल्स जो लाइनिंग थी वहां पे सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स बनाते थे। इस तरह याद है, ये सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स यहां पे बनते थे और जो ल्यूकोसाइट्स थे यानी न्यूट्रोफिल्स थे, न्यूट्रोफिल्स के ऊपर इंटीग्रेंस लगा देते थे। क्या लगा देते थे? इंटीग्रेंस। पहले उनको क्या करते थे, स्लो डाउन करते थे सिलेक्टेड स्पीड बम्प्स के जरिए। जब स्लो डाउन हो जाते थे तो फिर ये एंडोथेलियल सेल के ऊपर सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स लगाते थे और आपके ल्यूकोसाइट्स के ऊपर क्या लगाते थे, इंटीग्रेंस लगाते थे। तो ये इंटीग्रेंस आके इसके ऊपर एडहियर हो जाते थे, इस तरह जुड़ जाते थे, फंस जाते थे। तो इस तरह उसके बाद उसकी क्या होती थी, कीमोटैक्टिक फैक्टर आते थे। डिटेल में समझाऊं डॉक्टर हमजा, डिटेल में समझाऊं? कोई बात, कोई नहीं, मैं डिटेल में समझा देता हूं, कोई मसला नहीं है, मैं डिटेल में समझा देता हूं। देखिए, हमने कहा था कि जब इन्फ्लेमेशन हो रही हो तो इंटरल्यूकन 1, इंटरल्यूकन 6 और क्या था, इंटरफेरॉन गैमा था, इंटरफेरॉन गैमा, ये तीन थे। ये सबसे पहला काम क्या करते थे, बल्कि करते क्या थे, करते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, सॉरी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा होता है, ठीक है। ये जाते हैं ब्लड वेसल्स के पास, ठीक है, जब इन्फ्लेमेशन कोई पैथोजन ने इंट्री की है तो ये ब्लड वेसल्स के पास जाते हैं। मैं पीछे वाला लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जाते हैं, ये सबसे पहली चीज वेजो डायलेशन करा देंगे। क्या करा देंगे? जब वेजो डायलेशन होगी तो ब्लड फ्लो इस तरह बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, मतलब न्यूट्रोफिल्स हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, वो इस जगह पे ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा काम ये क्या करते हैं, ये लगा देते हैं यहाँ पे आपके एंडोथेलियल लाइनिंग होती है ना जो आपकी ब्लड वेसल्स की, उस पे ये लगा देते हैं यहाँ पर स्पीड बम्प्स, सिलेक्टेड स्पीड बम्प्स। अब जो के न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज की स्पीड तेज थी तो वो आएंगे और इन सिलेक्टेड स्पीड बम्प से टकराएंगे, तो उनकी स्पीड ब्रेकर्स के तौर पर काम करते हैं ये, उनकी स्पीड हो जाती है कम। पहली चीज ये हो गई, पहली चीज उस तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाया ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज आए। दूसरी चीज सिलेक्टेड के जरिए उनको रोकते थे। तीसरी चीज ये एंडोथेलियल की एक्टिवेशन इस तरह करते थे तो यहाँ पर सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स बना देते थे, सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स। और जो आपका आपके जो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज होते थे उन पर इंटीग्रेंस लगा देते थे। क्या लगा देते थे? इंटीग्रेंस। अब जब आपका ये आता था न्यूट्रोफिल्स तो ये इसके जरिए आके इसके ऊपर चिपक जाता, एडहेयर हो जाता था, रुक जाता था। और तीसरा काम था कि कीमोटैक्टिक फैक्टर आते थे न्यूट्रोफिल्स के लिए, कौन से, C5A, इंटरल्यूकिन 8 आता था, याद है इंटरल्यूकिन 8 आएगा वो इसको कीमोटैक्ट करेगा, इसको एट द साइट ऑफ इंफेक्शन लेके जाना चाहेगा। और एट द साइट ऑफ इंफेक्शन ले जाने के लिए आपको पता है फिर यहाँ पर पैरासाइट्स कॉन्ट्रैक्ट करते थे तो ये एंडोथेलियल जो सेल्स थे इनमें स्पेस हो जाती थी और ये आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं मैक्रोफेज हैं ये एट द साइट ऑफ इंफेक्शन बाहर आ जाते थे। तो इस तरह यह सारा क्या होता था, इन्फ्लेमेशन होती थी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये समझ आ गया डॉक्टर हमजा, आप समझ आ गया, समझ आ गया। चले, अब यहाँ पे क्या होता है, वो कहता है डिफेक्ट इन LFA1 इंटीग्रेन, जो इंटीग्रेन है उनका दूसरा नाम होता है CD18, ये इनमें डिफेक्ट आ जाता है। अब ये जो आपकी इंटीग्रेंस थी ये वाली इनमें डिफेक्ट आ जाएगा। जब इंटीग्रेंस नहीं होगी तो क्या ये सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जाके बैठेंगी? नहीं बैठेंगी। तो वो उनके ऊपर नहीं बैठेंगी तो क्या ये इसकी माइग्रेशन होगी, जब इसके ऊपर फंसेगा ही नहीं, क्या न्यूट्रोफिल्स की माइग्रेशन होगी, इस तरह बाहर आएंगे वो एट द साइट ऑफ इंफेक्शन आएंगे? नहीं आएंगे। क्या उसमें कीमोटैक्सिस होगी? कीमोटैक्सिस भी नहीं होगी। C5A इंटरल्यूकिन 8 नहीं आएंगे, वो न्यूट्रोफिल्स को बाहर अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। नहीं समझ आई? आ गया समझ? यार समझ तो मेनू भी नहीं आई। नहीं मजाक कर रहा हूँ, इसको मैं और तरीके से समझाता हूँ। देखें, जब ये एडहेशन वगैरह सारी नहीं होगी तो आपके न्यूट्रोफिल्स की माइग्रेशन बाहर की तरफ नहीं होगी, वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं जाएंगे। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या,
कीमोट्रेक्टिव फैक्टर नहीं आएंगे, ठीक है। तो अच्छा, जब यहां पे किसी जगह पे इंफेक्शन होता है, जब वहां पे न्यूट्रोफिल्स आते हैं, तो याद करें कल मैंने कहा था अगर न्यूट्रोफिल्स नहीं आते हैं तो अब्सेस फॉर्मेशन होती है, लेकिन पस वहां पे नहीं बनता, कोल्ड अब्सेस फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर जो है ना पस फॉर्मेशन नहीं होगी, जहां पे इंफ्लेमेशन हो रही होगी वहां पे पस फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन नहीं हो रही, माइग्रेशन नहीं हो रही, कीमोटैक्टिक फैक्टर नहीं आ रहा, वो बहर नहीं आ रहा, तो वहां पर पस फॉर्मेशन भी नहीं होती है। अच्छा, ये होता है आपके ल्यूकोसाइट एडहेशन डेफिशिएंसी, यानी जो उसकी एडहेशन है उसमें क्या आ जाएंगे, डिफेक्ट्स आ जाएंगे, वो एडहेशन उसकी नहीं हो पाएगी। समझ आ गया, पक्की बात है। अच्छा, डिफेक्ट इसमें इंटीग्रिन में डिफेक्ट आएगा, प्रोटीन्स ऑन फेगोसाइट्स, इंपेयर्ड माइग्रेशन एंड कीमोटैक्सिस, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। वो कहता है लेट सेपरेशन ओवर 30 डेज ऑफ द अम्बिलिकल कार्ड, इसका क्या मतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 2 to 3 आवर्स के बाद उसका जो अम्बिलिकल कार्ड होता है वो रिमूव हो जाता है ना, अम्बिलिकल कार्ड उसका 2 to 3 आवर्स के अंदर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और ये रिमूव क्यों होता है, ये अगर बच्चा है, ये बच्चा है तो उसका अम्बिलिकल कार्ड रिमूव क्यों होता है, उसमें क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। क्या होती है? इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन किसके जरिए होती है, आपके न्यूट्रोफिल्स के जरिए। किसके जरिए? न्यूट्रोफिल्स आते हैं यहां पर इन्फ्लेमेशन कराएंगे और ये 2 से 3 घंटे के बाद ये कट ऑफ हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगी इसकी। लेकिन अब मुझे बताएं, क्या ये न्यूट्रोफिल आएंगे, इसमें न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं आ रहे? अभी सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स नहीं है, माइग्रेशन होगी एट द साइट ऑफ इंफेक्शन, माइग्रेशन होगी नहीं होगी, क्या कीमोटैक्टिक फैक्टर्स आएंगे नहीं आएंगे, इन्फ्लेमेशन होगी नहीं, पस फॉर्मेशन होगी नहीं। जब इन्फ्लेमेशन ही नहीं होगी तो क्या आपका ये आपका अम्बिलिकल कार्ड की सेपरेशन होगी? नहीं। इसकी सेपरेशन ओवर 30 डेज तक चली जाती है। कितनी? ओवर 30 डेज, जो 2 से 3 घंटों में होती है ये ओवर 30 डेज चली जाती है, ये ज्यादा टाइम लगा देती है। ठीक है, तो मोर देन 3 डेज लगा देती है, मोर देन 30 डेज ये लगा देती है। तो आई होप सो दैट ये समझ आ गया होगा अम्बिलिकल कार्ड की, अगर बच्चे की वो नहीं हो रही, अगर बच्चा पैदा हुआ है घर में उसका अम्बिलिकल कार्ड रिमूव नहीं हो रहा, तो आप एज ए डॉक्टर बता सकते हैं इसको क्या मसला है। ठीक है, एबसेंट पस फॉर्मेशन, एबसेंट पस क्यों? क्योंकि न्यूट्रोफिल्स नहीं जाएंगे पस फॉर्मेशन, डिसफंक्शनल न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, डिसफंक्शनल होगा। रिकरेंट स्किन एंड म्यूकोसल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको ये सारे इन्फेक्शन होते रहेंगे। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा जी, जबकि वो कह रहा है न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज इन ब्लड, ये देखें फाइंडिंग्स में, ये क्या कह रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया क्या? तो ब्लड में बढ़ जाएंगे, गुड, ये भी ठीक है। लेकिन एक और तरीका भी होता है, आपके न्यूट्रोफिल्स तो ज्यादा मिकदार में आपकी जो लंग की जो कैपिलरीज है उनमें बैठे हुए होते हैं, उनको किसने जोड़ा हुआ होता है, ये आपकी लंग की, अगर मैं कैपरी ले लू ना कि लंग की कैपरी, लेट्स सपोज दैट, तो यहां पर आपके तकरीबन 50%, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, 50% न्यूट्रोफिल्स है ना, 50% न्यूट्रोफिल्स, ये आपकी जो लंग की कैपरी है, कैपलरी है, वहां पे एडियर हुए होते हैं। किसके जरिए? ये इन्हीं सेलुलर एडियन मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रोफिल्स के ऊपर जो इंटीग्रेंस होते हैं उन्हीं के जरिए ये यहाँ पर एडियर होते हैं, यहाँ पर रुके हुए होते हैं, यहाँ पर स्टक होते हैं, फंसे हुए होते हैं। लेकिन जब आपका ये इंटीग्रेन ही नहीं बन रहा, आपके ये सिलेक्टिव ये सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स नहीं बन रहे, तो क्या ये स्टिल भी एडहेयर रहेगा वहां पर? नहीं, अब तो एडहेयर नहीं रहेगा, वो वहां से आजाद हो गया जो स्टक हुआ हुआ था। जब वो आजाद होगा तो वो कहां आएगा? सीधा आपके ब्लड में, आपका ब्लड जहां जाएगा आपके न्यूट्रोफिल्स वहां जाएंगे, तो इस तरह न्यूट्रोफिल्स नंबर में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये कंसेप्ट समझ आ गया कि 50% न्यूट्रोफिल्स आपकी लंग की कैपिलरीज में स्टक होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेंस और सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स के जरिए वो वहां पर स्टक होते हैं। जब वो सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे तो न्यूट्रोफिल्स वहां से आजाद हो जाएंगे, तो ब्लड में जाएंगे, तो ब्लड में उनकी तादाद बढ़ जाएगी, तो इसे हम कहते हैं कि न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज इन ब्लड। एब्सेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स एट द साइट ऑफ इंफेक्शन, ये तो आपको पता है, क्योंकि माइग्रेशन नहीं होगी, पस फॉर्मेशन भी नहीं होगी, तो वो एडहेशन भी नहीं होगी। ठीक है, वो सारा प्रोसेस। इंपेयर्ड वाउंड हीलिंग, जो ये लफ्ज से वाउंड होता है, तो वाउंड हीलिंग जो है वो प्रॉपर तौर पर नहीं होगी, तो ये चीज है, नहीं 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 प्रॉपर तौर पर वो डीलिंग उसकी नहीं होगी, प्लेटलेट्स की वो जाना वो
प्रॉब्लम आ रहा होगा, बस आप इतना देख लें यहाँ पर कि उसकी इम्पेयर्ड वुड है वो प्रॉपर तौर पर, यानी इन्फ्लेमेशन भी प्रॉपर तौर पर नहीं होगी तो उसकी हीलिंग भी प्रॉपर तौर पर नहीं होगी। समझ आ गया, ये पक्की बात है, ये ल्यूकोसाइट एडहेशन डेफिशिएंसी टाइप वन, मतलब इसकी टाइप वन है ये, आगे भी इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है वो हम आगे जाके हम इसको करेंगे, ल्यूकोसाइट एडहेशन डेफिशिएंसी टाइप वन वो हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे टाइप इसकी। अगली है चेडिक हिगाशी सिंड्रोम, ये क्या होती है? देखे इसमें क्या होता है, हमने कहा था कि जब जब कोई भी पैथोजन अंदर दाखिल होता है तो बहर तो वो पैथोजन होता है, बहर वो पैथोजन होता है, बहर वो एंटीजन होता है, जब वो इंगल्फ हो जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, फेगोसोम, क्या बोलते हैं उसको, नाउ इट इज कॉल्ड फेगोसोम, फेगोसोम बोलते हैं इसको। अब फेगोसोम को कौन इंगल्फ करता है, लाइसोसोम, कौन इंगल्फ करता है, लाइसोसोम पड़ा होता है अंदर, लाइसोसोम आता है इसको इंगल्फ कर लेता है, इसको क्या कर लेता है, इंगल्फ, इंगल्फ करके इसकी तोड़फोड़ करता था, फिर एमएससी वन या फिर एमएससी टू के जरिए, एमएससी वन या फिर एमएससी टू के जरिए एक्सप्रेस करता था, आगे टी सेल सीडी फोर या सीडी एट उसको पकड़ लेते थे, अगली चीज करते थे। अच्छा यहां पर क्या होता है, यहां पर भी रोड सिस्टम खराब होता है, ये एंजाइम एक लाइस्ट, लाइस्ट एंजाइम, लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग रेगुलेटरी जीन, ये रेगुलेटर जीन एंजाइम, इस एंजाइम में डिफेक्ट होता है। जिस तरह आपका ऊपर हमने एंजाइम एटीएम पढ़ा है वो एक्टिन के पाथवे में इन्वॉल्व था, तो जब आपको लेस एंजाइम होता है ये इन्वॉल्व होता है आपके ट्यूबर ग्लैंड में, माइक्रोट्यूब्यूल में, किसमें, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबर ग्लैंड में इन्वॉल्व होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबर ग्लैंड प्रोटीन उसमें इन्वॉल्व होता है। अब ये भी प्रोटीन जो ट्यूब्यूल होती है, माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है, ये भी एज ए रोड सिस्टम काम करती है, एज ए रोड। अब ऐसे तो नहीं कि फेगोसोम अंदर आया, फेगोसोम अंदर आया और लाइसोसोम मुंह उठा के इसके पास चला गया है, ऐसे तो नहीं होता ना, कोई प्रॉपर तरीका होगा, कोई प्रॉपर रास्ता होगा, कोई प्रॉपर रोड होगी जिसके जरिए वो जाता होगा। और ये जो रोड सिस्टम है ये कौन देता है, आपका माइक्रोट्यूब्यूल देती है, कौन देती है, माइक्रोट्यूब्यूल देती है, और माइक्रोट्यूब्यूल को बनाता कौन है, लाइसोसोमल, ये लेस्ट एंजाइम बनाता है। जब लेस्ट एंजाइम ही डिफेक्ट है तो क्या ये माइक्रोट्यूब्यूल का जो रोड सिस्टम ये प्रॉपर तौर पर बनेगा, ये प्रॉपर बनेगा, नहीं बनेगा, तो क्या लाइसोसोम मूव करके फेगोसोम के पास जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो जब उसके पास ही नहीं जाएगा तो क्या इनका फ्यूजन होगा, ये उसको इंगल्फ कर पाएगा, नहीं, तो उनका फ्यूजन नहीं होता, उनका फ्यूजन नहीं होता। तो अब ये उल्टा फंस गया है, आपका न्यूट्रोफिल था या मैक्रोफेज था, इसने पैथोजन को ले तो लिया है, अब लाइसोसोम उनको इंगल्फ नहीं कर रहा, अब इसने वो कहते हैं कि एक चीज मैंने उठा तो ली है, अब क्या करूं इसका, ये तो उल्टा मेरे लिए डेंजरस बन गई है, तो वो इसको इंगल्फ नहीं कर पाता, तो इस तरह क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। समझ आ गई ये बात कि रोड सिस्टम जो है माइक्रोट्यूब्यूल का क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो फेगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन नहीं हो पाती, तो उसके अंदर ही उसको इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी करें जरा हम रीडिंग अब, समझ आ गया, लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग जीन जो है ना ये खराब हो जाता है, आसान सा है, इसकी कुछ एग्जाम्पल है वो हम देखते जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, मेरी एनर्जी डाउन हो रही है। अच्छा माइक्रोट्यूब्यूल डिसफंक्शन इन फेगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल की जो रोड सिस्टम है वो नहीं बनेगा, तो ये भी क्या होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, ठीक है। अच्छा इसको याद करने का प्लेन फार्मूला है कि प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन, इसमें इसमें पता क्या होता है, इसमें आपकी जो है ना पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, क्या होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसमें आपके जो न्यूरो डिजेनरेशन हो जाती है, जो आपकी न्यूरॉन्स होती है, नर्व्स होती है, वो डिजेनरेट हो जाती है, क्या हो जाती है, डिजेनरेट, लेकिन कौन से रीजन में, पेरिफेरल रीजन में, कौन से रीजन में, आपके ब्रेन में ठीक होगी ये, वो तो सेंट्रल है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में ये क्या होगी, ठीक होगी, लेकिन आपके जो जो पेरिफेरल रीजन है, जो पेरिफेरल रीजन है, मतलब देखिए ब्रेन ने कोई हुक्म दिया, ब्रेन ने कोई हुक्म दिया, तो उस ब्रेन हुक्म को कहां तक लेके जाना, हमने फुट तक लेके जाना है, ये जो पेरिफेरल रीजन है, हैंड्स तक, फुट तक, ये यहां से कोई हुक्म आया, ये हुक्म जाने के लिए रोड्स नीड होंगी ना, रोड्स नीड होंगी ना, ऑफ कोर्स, और वो रोड्स कौन सी होती है आपकी, यही नर्व्स वगैरह हो गई, नर्व्स लेके जाती है पैगाम को, और नर्व्स के अंदर मजीद रोड्स कौन सी होती है आपकी, यही माइक्रोट्यूब्यूल, कौन सी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल। अब इन नर्व्स के अंदर जो पेरिफेरल रीजन में नर्व्स पड़ी हुई है, क्या उनमें जो रोड्स हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल है, वो काम कर रही है, नहीं कर रही, तो यहां से जो हुक्म आएगा ये आपके ब्रेन का कि आप ये हैंड तक ये वाला हुक्म पहुंचाओ, ये पैगाम पहुंचाओ, तो क्या वो पैगाम पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल आपके हैंड, आपके फुट,
वीकनेस नंबरेस होती है उनमें, क्या होती है नंबरेस, वो मतलब सेंस करना थोड़ा छोड़ देते हैं, नंबरेस ही होती है, इसे बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ये भी आपकी चेटाकिकाशी सिंड्रोम की एक एग्जांपल है, ठीक है, कि इसमें जो आपकी जो नर्व्स का जो ये रोड सिस्टम है, नर्व्स के अंदर रोड सिस्टम मैक्रोटिब्यूल्स ने संभाला हुआ होता है, तो मैक्रोटिब्यूल्स नहीं बन रही तो रोड सिस्टम खत्म हो रहा है, तो वो पैगाम सही तरह से नहीं जाता, तो आपके जो पेरिफेरल रीजन है जिसके हैंड हो गया, फुट हो गया, उनमें नंबरेस आ जाती है, ठीक है, उनमें वीकनेस ही आ जाती है। समझ आ गया या इसको किसी और तरीके से समझाओ? पक्की बात है, हैं डॉक्टर तहरीम, पक्की बात है? डॉक्टर हमजा उदास उदास से हैं आप, ये उदास उदास सा चेहरा हैं, उदास ना रहा करें, हंसते रहा करें। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन इस तरह होगी, ठीक है, और लैम्फोहिस्टोसाइटोसिस, आपके जो लैम्फोसाइट्स और हिस्टोसाइट्स के जो सेल्स होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, वो ओवर एक्टिवेट रहते हैं बस इतना। अच्छा एल्बिनिज्म क्या होती है? एल्बिनिज्म, पार्शियल एल्बिनिज्म, स्किन पे क्या हो जाता है? वाइट, वेरी गुड डॉक्टर ईशा, स्किन आपकी क्या होती है? भूरी सी हो जाती है, क्यों होती है? पिगमेंटेशन, किसकी नहीं होती पिगमेंटेशन? मिलानिन पिगमेंट, इसको बनाता कौन है? मिलानिन को कौन से सेल्स बनाते हैं हमारी स्किन के? देखें ये हमारी स्किन है, ठीक है, ये हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर यहां पे होते हैं आपके मिलानोसाइट सेल्स, कौन से? ये आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं जो नहीं पता होता अक्सर बंदों को, MBBS कंप्लीट होता है फिर भी पता नहीं होता, वो कहते हैं कि मिलानोसाइट्स का रोल होता है, मिलानोसाइट्स का रोल होता है मिलानिन को बनाना। हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा हम लोग कहते हैं कि अगर आपको एल्बिनिज्म हो गई है, इट डज मीन दैट कि मिलानिन नहीं बन रहा। यार ऑफ कोर्स ये तो नहीं है कि हर बार मिलानिन ना बन रहा हो, बाज दफा मिलानिन बनता है लेकिन रोड सिस्टम, देखे आपको समझ आ जाएगा। देखिए मिलानोसाइट्स होते हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है कि इन्होंने जो मिलानिन है वो बना देनी है, मिलानिन जो पिगमेंट है वो बना देना है, इसने स्किन को कलर देना है, कोई भी कलर देना है, ठीक है। अब ये मिलानिन बनने के बाद इस मिलानिन को स्किन पे हमने एक्सप्रेस करना है, और इसको एक्सप्रेस कौन करते हैं? इसको एक्सप्रेस करते हैं आपके केराटिनोसाइट्स, कौन से सेल्स होते हैं? केराटिनोसाइट्स, ये यहां पे सेल्स होते हैं, वो सेल्स इसको स्किन के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं, कौन से? केराटिनोसाइट्स। पता है ये स्किन का हमारे जो ऊपर जो मुर्दा सा हिस्सा होता है उसके ऊपर कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन प्रोटीन। नेल्स में कौन सी प्रोटीन होती है? बालों में कौन सी प्रोटीन होती है? आपके जो स्किन का ऊपर वाला मुर्दा जो हिस्सा होता है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन प्रोटीन होती है। तो इसलिए ये केराटिनोसाइट्स होते हैं, ठीक है, तो ये वो सेल्स होते हैं जिनमें केराटिन प्रोटीन होती है। अब मिलानोसाइट्स ने क्या बना दिया? आपके मिलानिन पिगमेंट बना दिया, लेकिन इसी मिलानिन पिगमेंट को ट्रांसफर करना है किसके पास? आपने केराटिनोसाइट्स के पास। तो रोड सिस्टम तो है खराब, मैक्रोटिब्यूल तो है खराब, तो क्या मिलानिन ट्रांसफर कर पाएगा? नहीं। तो क्या मिलानिन आपके स्किन पर एक्सप्रेस हो पाएगा? नहीं। जब वो एक्सप्रेस नहीं होगा तो आपको क्या हो जाता है? एल्बिनिज्म हो जाती है, पार्शियल एल्बिनिज्म हो जाती है। तो एल्बिनिज्म की रीजन ये भी हो सकती है कि आपका जो ना ट्रैफिक सिस्टम आपका खराब हुआ हुआ है, ठीक है, आपको चेटाकिकाशी सिंड्रोम हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि मिलानोसाइट्स डायरेक्टली मिलानिन बना ही नहीं रहे। तो ये समझ आ गया कि इसमें एल्बिनिज्म किस तरह होती है। अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है इसके रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शंस होंगे इसको बार बार, ठीक है, और इसी को पेरिफेरल नेफ्रोपैथी जो कि मैंने अभी भी पढ़ाया है, इसको पेरिफेरल नेफ्रोपैथी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखें जेंट ग्रेन्यूल्स हो जाएंगे। अच्छा जेंट ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? जेंट ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। देखें ये पता क्या होते हैं? आपके ग्रेनुलोसाइट्स या पैरासाइट्स जहां पे किसी सेल में बनते हैं ना, ये सेल है, लेट्स सपोज दैट ग्रेनुलोसाइट्स आपके बन रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं आपके, ठीक है, आपके ये कहां पे बनते हैं? बोन मैरो में, बोन मैरो में इन्होंने बनना है, ये लेट्स सपोज दैट बोन मैरो का सेल है, उसमें बने, उसमें बनने के बाद ना ये ऐसे नहीं कि बन के इसको हमने बाहर निकाल दिया, ऐसे नहीं होता। आपने FSC में एक पूरा एक वो पढ़ा होगा, हम बायोकेमिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे इसको दोबारा, कि एक प्रॉपर एक ट्रैफिक सिग्नल होता है, ट्रैफिक एक पाथवे होता है कि बनने के बाद ये मतलब जो प्रोटीन्स बनती थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, फिर वो वहां से निकलकर गाल्जी एपरेटस के पास जाती थी, याद है? गाल्जी एपरेटस यहां से इसको लेता था और यहां से इसको ग्रेन्यूल्स बना के बाहर निकाल देता था, वेसिकल्स बना देता था, और इन वेसिकल्स ने जहां जाना होता है वो उनको उसकी जगह पे पहुंचा देते हैं। अगर इसने सेल की इस जगह पे जाना है तो ये इसको यहाँ पे भेज देगा, इसने इस जगह पे जाना तो यहाँ भेज देगा, इसने सेल से बाहर जाना तो इसको सेल से
बाहर भेज देगा, तो ये सारा प्रोसेस होता है। अब क्या होता है, अब आपके ग्रेनुलोसाइट्स तो बन गए हैं, ग्रेनुलोसाइट्स बन गए हैं, अब उन ग्रेनुलोसाइट्स ने यहां से मूव करके यहां तक आना है। पहली बात तो वो यहां से मूव नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी माइक्रोटिब्यूल नहीं है, ट्रैफिक जो पाथवे है वो नहीं है, तो वो यहाँ के आपके ग्रेनुलोसाइट्स यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे। अगर यहां तक पहुंच भी गए भाई एनीवे, तो वो यहां से इसने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था गॉल्जी अपैरेटस ने, किसी को बाहर भेज देना है, किसी को यहाँ भेज देना है, किसी को यहाँ भेज देना है। क्या आपका ट्रैफिक पाथवे काम कर रहा है, रोड सिस्टम काम कर रहा है, माइक्रोटिब्यूल काम कर रही है? नहीं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी नहीं। तो आपके गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, गॉल्जी अपैरेटस के पास यहाँ पर बहुत से ग्रेनुलोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और वो आपस में बहुत सारा एक कलेक्ट हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं जेंट ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? जेंट ग्रेन्यूल्स। बहुत से ग्रेन्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे, इसे हम क्या बोलते हैं? जेंट ग्रेन्यूल्स। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया है, या मैं इसको रिपीट करूं? रिपीट करूं एक बार? हैं डॉक्टर हमजा, रिपीट करूं एक बार? समझ आ गया है? नींद आ रही है इसीलिए कह रहे हैं, या समझ आ गया है? नींद आ रही है। चलिए, यही है कि ये आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, तो यहां से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, तो ये ग्रेन्यूल्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, जब इकट्ठे होंगे तो इनका क्या बन जाएगा? ये जेंट ग्रेन्यूल्स बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह पैनसाइटोपेनिया हो जाएगा। पैनसाइटोपेनिया क्या होता है कि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स दोनों तादाद में कम हो जाएंगे। क्यों? अच्छा, जब आपकी माइटोसिस या फिर सेल डिवीजन होती है, हम कहते हैं एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, कहते हैं ना, एक सेल जब दो में डिवाइड होता है तो उसका डीएनए होता है, उसकी ऑर्गेनेल्स होती है ना, उसका साइटोप्लाज्म होता है, तो ये भी तो दो में डिवाइड हो जाता है, डीएनए दो बन जाएंगे, ऑर्गेनेल्स, हर ऑर्गेनेल्स दो बन जाएगी, साइटोप्लाज्म दो में बन जाएगा। लेकिन ये बनने के बाद इनको माइग्रेट तो करना होता है ना, ये तो बीच में डबल होते हैं, डीएनए को माइग्रेट करके इस सेल में आना है, इसको इस सेल में, इस ऑर्गेनेल को इधर माइग्रेट करके आना है, इस ऑर्गेनेल को इधर माइग्रेट कर, साइटोप्लाज्म को इस तरह माइग्रेट कर, इसको इस तरह माइग्रेट कर, माइग्रेट तो करना पड़ेगा ना, डबल तो हो गए, माइग्रेट तो करना पड़ेगा। तो क्या आपका माइक्रोटिब्यूल रोड सिस्टम काम कर रहा है? नहीं। तो क्या ये माइग्रेट करेंगे? नहीं। अब आपके व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स डिवाइड तो हो जाएंगे, सेल डिवीजन तो हो जाएगी, नंबर तो डबल हो जाएंगे, क्या ये माइग्रेशन होगी? जब माइग्रेशन ही नहीं होगी तो क्या आपके प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स प्रॉपरली बन पाएंगे? नहीं बनेंगे प्रॉपरली, उनकी डिवीजन ही नहीं हो रही, ठीक है। तो यहां पर आपके पैनसाइटोपेनिया हो जाएगा, यानी आपके जो प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स उनका नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उनका नंबर क्या हो जाएगा? कम। तो इसे क्या बोलते हैं? पैनसाइटोपेनिया। समझ आ गया? पक्की बात है? इसको रिपीट करूं, इस वाले को रिपीट करूं? आ गया समझ? पक्की बात है डॉक्टर मुस्तफा? समझ पक्की बात है? चलें जी, चलें इसकी हम रीडिंग करते हैं, सारे की रीडिंग करते हैं। आई होप सो दैट सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बल्कि सारे की रीडिंग कर लिया हमने, बल्कि ये रहता है माइल्ड कोएगुलेशन डिफेक्ट्स। अब वही चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि ये आपका सेल था, यहां से प्लेटलेट्स बने, इन्होंने कहां से गुजरना था? गॉल्जी अपैरेटस से, और यहां से इन्होंने क्या करना था? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे यहां पर, सारे प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स की क्या हो जाएगी? कोएगुलेशन हो जाएगी, माइल्ड डिफेक्ट्स आ जाएंगे उसके, वो अपनी जगह पे जा नहीं पाएंगे, वहां पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। समझ आ गया? तो ये है चीजें कुछ जो मैं देख लूं, कुछ चीज आपकी इसमें रहना गई हो, हैं? एल्बिनिज्म हो गया, पेरिफेरल नेफ्रोपैथी, जेंट ग्रेन्यूल्स, पैनसाइटोपेनिया। चलें जी, आई होप सो दैट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या है? क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज। बस लास्ट है, 5-10 मिनट सबर करें, हो जाता है। हमने ये डिजीज पहले पढ़ी हुई है, डॉक्टर मुस्तफा हंस रहा है, उसको याद आ रही है हल्की फुल्की। वेरी गुड डॉक्टर जुबैर, रेस्पिरेटरी बस में हमने इसको पढ़ा हुआ है, एचएम पेशेंट में हमने इसको पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ है? हमने कहा था कि जो ऑक्सीजन है, देखें इधर देखें, मुझे मेरा साथ दें जरा। हमने कहा था ऑक्सीजन चेंज हो जाती है ऑक्सीजन परऑक्साइड में, किसके जरिए, कौन से एंजाइम के जरिए? NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम के जरिए। और इसके लिए इसको एक कोफैक्टर नीड था, क्या नाम था उसका? NADPH। ये कहां से आता था? NADPH HA पेशेंट से, याद है? हाँ, ग्लूकोज 6-फास्फेट की हम वो करते थे, ब्रेक डाउन करते थे, तो वहां से हमें NADPH और क्या मिलती थी? राइबोज मिलती थी, पेंटोज फास्फेट राइबोज मिल, याद है? तो ये एंजाइम एक्ट करेगा। और ऑक्सीजन परऑक्साइड किस में चेंज हो जाता था? हाइड्रोजन पर, ये सुपरऑक्साइड था, हाइड्रोजन परऑक्साइड में चेंज हो जाता था। एंजाइम कौन सा था? सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज होता था, डिसम्यूटेज एक्ट करता था, तो H2
ओ टू बन जाता था, फिर इसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करता था, माइलो है। याद है कि नहीं है याद? मुझे तो नहीं लग रहा माइलो पराक्सीडेज, क्योंकि जो चीजें मैं देख रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ। माइलो पराक्सीडेज तो क्या बन जाता था? एच ओ सी एल। तो ये एच ओ सी एल जाके क्या करता था? पैथोजन की किलिंग करता था, पैथोजन की किलिंग। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे आपका क्या होता है? डिफेक्ट इन एनएडीपीएच ऑक्सीडेज, ये जो एंजाइम है इसमें क्या आ जाएगा? डिफेक्ट। तो क्या आपका ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा? क्या ये किलिंग होगी? नहीं, बल्कि इंफेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसका एक तरीका था इसके पास कि अगर एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं है या एनएडीपीएच एचएमपी शंट से नहीं आ रहा, तो हमारे न्यूट्रोफिल के पास एक तरीका था जिसका खाया नमक हरामी करता था। याद है कैसे करता था नमक हरामी? हमने कहा था बैक्टीरिया अपना क्या बनाते होते हैं? H2O2। वो उसी का H2O2 ले लेता था और अपने माइलो पराक्सीडेज एंजाइम के जरिए HOCl बना लेता था और उसी बैक्टीरिया की क्या करता था? कर देता था किलिंग। उसके बाद बैक्टीरिया की एक और फार्म आई थी, उसने कहा था तू बड़ा शाना बनता है, अब और मजीद धोखेबाजी नहीं चलेगी। नाम क्या था उसका बैक्टीरिया का? कैटालेज पॉजिटिव एंजाइम। कैटालेज पॉजिटिव जो उसके पास एंजाइम होते थे, कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया, कौन से कैटालेज? उनके पास कैटालेज एंजाइम होता था। वो कैटालेज एंजाइम जो बैक्टीरिया अपना H2O2 बनाते हैं उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता था। याद है H2O बना देता था और जो इसने अपना बनाया हुआ न्यूट्रोफिल ने H2O2 उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता था, H2O बना देता था। तो HOCl नहीं बनता था तो उसको ये किलिंग नहीं होती थी, तो कैटालेज पॉजिटिव के इन्फेक्शन हो जाते थे उस पेशेंट को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी? क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज थी। समझ आ गई है क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज? इसको रिपीट करूं सारे को दोबारा मैं एक बार? पहले तो मेरे ख्याल में पढ़ाया हुआ है, रिपीट कर दूं? चलें जी, मैं इसको फिर से आप करूं, रीडिंग करते हैं। ठीक है, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, मैंने समझा रिवीजन ही करा दिया, इसकी रिवीजन ही मैंने करा दी है। तो चले जी, वो कहता है डिफेक्ट ऑफ एनएडीपीएच ऑक्सीडेज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कम पड़ जाएंगी, यानी कि सुपर ऑक्साइड हो गया वो जो है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया HOCl, वो कम पड़ जाएंगी। एंड रेस्पिरेटरी बर्स्ट इन न्यूट्रोफिल्स, वो भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी बर्स्ट जो हमने पढ़ा था, न्यूट्रोफिल्स जो है वो कम पड़ जाएंगे। एक्स लिंक्ड फॉर्म मोस्ट कॉमन, तो ये एक्स लिंक्ड होती है और ये इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू कैटलाइज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, जो कैटलाइज पॉजिटिव है उनमें इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने बनाए हुए H2O2 को क्या कर लेता था? न्यूट्रलाइज कर देता था। एबनॉर्मल, ये टेस्ट होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट का नाम याद कर ले इसके पास, ये इंपॉर्टेंस है कि एबनॉर्मल डाई हाइड्रोडामाइन टेस्ट है। ठीक है, ये फ्लो साइटोमेट्री के जरिए करते हैं कि अगर अगर आपका जो है ना ये एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम बन रहा है, अगर एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम, अच्छा ये पता है क्या होती है, आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि फ्लो साइटोमीटर क्या होती है। फ्लो साइटोमीटर ये होती है कि ऊपर से हम ना एक तरह के हमारे पास ना इकट्ठे किए होते हैं, हमने सेल्स को सैंपल लिया होता है, हम एक एक करके सेल नीचे फेंकते हैं, एक एक करके ऐसे एक एक करके, एक सेल फेंका फिर दूसरा, और यहाँ से हम लेजर लाइट फेंकते हैं, यहाँ से जब लेजर इससे टकराती है तो यहाँ पे आगे हमारे पास स्क्रीन पड़ी हुई होती है, तो वो उस स्क्रीन के ऊपर शेडो पड़ते हैं, कलरफुल शेडो पड़ते हैं डिफरेंट कलर्स के, हर सेल अपना डिफरेंट कलर देता है। तो यहीं पर वो यही बता रहा है कि अगर आपका NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम पड़ा हुआ है, ये NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम है पड़ा सेल के पास, तो ये जो लेजर लाइट यहां से गुजरेगी और स्क्रीन के ऊपर पड़ेगी उसका शेडो होगा ग्रीन, ग्रीन फ्लोरिसेंस होगी। लेकिन अगर NADPH नहीं है तो आपका ये जो ग्रीन फ्लोरिसेंस है ये कम हो जाएगी, ये ग्रीन फ्लोरिसेंस क्या हो जाएगी? कम। तो आपको फ्लो साइटोमेट्री में दिखता है कि ग्रीन फ्लोरिसेंस कम है, तो मतलब NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम भी क्या है? कम है। अगर ग्रीन फ्लोरिसेंस ज्यादा है तो मतलब NADPH एंजाइम भी क्या है? ज्यादा है। समझ आ गई ये? और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये यूएसएमडी के एग्जाम में आई भी हुई है एक बार एमसीक्यूज के, एबनॉर्मल ये जो टेस्ट है ये कौन सा टेस्ट होता है? डाइहाइड्रो रोडामाइन जो फ्लो साइटोमीटर के जरिए करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक दूसरा टेस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर ऊपर वाला टेस्ट आ गया तो नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रो ब्लू कौन सा है? नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम डाई रिडक्शन टेस्ट, इसको ऑब्सोलेट फेल्स टू टर्न। अच्छा, इसमें क्या होता है? अगर ये वही चीज है, ये हम टेस्ट करते हैं, अगर हमने टेस्ट किया और अगर उसके अंदर NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम है पड़ा, तो वो जो टेस्ट हमने किया वो ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। किसमें? ब्लू में टर्न हो जाएगा। अगर उसका सैंपल का कलर हो गया ब्लू, ब्लू टर्न हो गया,
इट डज मीन दैट उसके पास एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम है पड़ा। अगर वो टर्न ब्लू नहीं करता, फेल्स टू टर्न ब्लू, तो वो टर्न ब्लू ब्लू नहीं होता कलर उसका, तो मतलब उसके अंदर एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी है। नहीं समझ आया? वो तो एक अलग टेस्ट है, वो तो ये वाला एक टेस्ट ही अलग है, इसको तो भूल जाए। ये तो फ्लोरेसेंस फ्लो साइटोमेट्री था, ये तो अलग टेस्ट है कि हमने क्या किया, हमने सैंपल लिया और हमने सैंपल में क्या मिलाया, हमने सैंपल के साथ हमने ये नेट्रो ब्लू मिला दी, नेट्रो ब्लू टेट्राजोलियम डाई, ये कलर हम देखें। नहीं समझ आ रहा? देखें, हमने एक सैंपल लिया, उसमें हमने ये सेल रखा हुआ था अपना, ठीक है, न्यूट्रोफिल। हम चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर एनएडीपीएच ऑक्सीडेज है कि नहीं है। हमने क्या किया, उसके अंदर नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम डाई डाल दिया। जैसे ही हम ये डाई डालेंगे, अगर इसका कलर हो गया ब्लू, क्या हो गया सैंपल का कलर, इसका कलर क्या हो गया ब्लू, सही कर देते हैं, इसका कलर हो गया सारा ब्लू, ये ब्लू टर्न हो गया, ये ब्लू हो गया। अगर ये हो गया ब्लू, तो वो कहेगा आपके पास एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम है पड़ा, ये है पड़ा। वो कहता है मैंने क्या लिया, मैंने एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं। वो कहता है मैंने ये सैंपल लिया, न्यूट्रोफिल्स था, मैं चेक करना चाहता हूँ इसके पास एनएडीपीएच ऑक्सीजन एंजाइम है कि नहीं है। मैंने इसके अंदर क्या डाला, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम डाई डाला, तो इसका कलर ब्लू नहीं हुआ, इसका कलर ब्लू नहीं हुआ। अगर कलर ब्लू नहीं हुआ, इसका मतलब इसके पास एनएडीपीएच ऑक्सीडेज की कमी है, वो डिफेक्ट है। तो ये बात वो समझा रहे हैं, समझ आ गया? ये नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट डाई टेस्ट समझ आ गया? कोई चीज रह गई हमारी, इम्यूनो डेफिशिएंसी जो है ना सारी खत्म हो गई है। तो आप लोगों को यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी थी? सिवियर स्किड। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सी है, थायमिक एप्लेशिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सी है, आपकी एक्स लिंक ग्लूटेन ए हेमोग्लोबिनीमिया। चलें जी, ये हमारा खत्म हो गया। उसके बाद ये पीछे हमारे दो टॉपिक्स रह गए थे, एक ये रट्टा बेस्ड है, इसको हम कल देखेंगे, ये भी थोड़ा सा इसको पढ़ना है, ब्लड ट्रांसफर रिएक्शंस। इंशाल्लाह हम ये दो ये हो गए, और ये इन्फेक्शन इन इम्यूनोडेफिशिएंसी रट्टा बेस्ड है, और एक ये है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। फिर हमारी इम्यूनोलॉजी की इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स फार्माकोलॉजी की स्टार्ट होगी। ये इंपॉर्टेंट के हवाले से, हाँ इंपॉर्टेंट के वाले से, पहला वाला टेस्ट एक्यूरेट के वाले से या इंपॉर्टेंट के वाले से? नहीं, एक्यूरेट के वाले से, दोनों आपका दोनों कर सकते हैं, ठीक है, आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि दोनों, अगर दोनों हो जाएंगे तो मजीद कंफर्मेशन हो जाएगी कि यस ये इसको ये मसला है, एक होगा तो वो भी वैसे कंफर्मेशन हो जाती है। तो उसके बाद हम इसकी फार्माकोलॉजी करेंगे, इसको भी हम मेरे ख्याल में 2 दिन और लगेंगे, मेरा जी खत्म, फिर हम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, जा सकते हैं आप लोग।